नमस्कार, मैं ऋतुस्मिन शर्मा। भारत एक मुहूर्त बृहत् कूटनैतिक विजय दिशे आगे निकी भारत खेल आरम्भ कर चीनर विरुद्धे विख्यात तिब्बत कार्ड एबार रेडियो चल भारत कि बजिब चीनर दखल थका तिब्बत नेहरुए तहानीते कर भूलर बी तिब्बत चीनर हाथ ले गई जा कूफल इतना भारत आज भुगि और भारत कूटनैतिक युद्धर पुनः स्वतंत्र हम निकी तिब्बत यह सम्पर्क ईशान निज़र एक विशेष प्रतिबेदन। हंगकंग चीनर विरुद्धे जुई ज्वलि ताइवान वन चाइना नीतिर विरुद्धे प्रतिबाद तिब्बत हठात पुनः बृद्धि पासे चीन विरोधी कार्यकलाप फिलिपाइन्से अमेरिकार बाबे मेरामति करिसे एयरपोर्ट चीने निजर बुली दाबी करा द्वीपपुंजर नतुनको नामकरण करिसे जापाने सागरीय पथ बंध करिसे अस्ट्रेलियाय और भारत सीमांत दुयो देशर सेनार मुखामुखी एक समयते संघटित ये आटाईबाक घटनार उद्देश्य जेन एटाई चीनक चीनर भाषाते शिक्षा दिया यह सको परिघटनार आड़ भारत निकी अंत चीनर बहु विशेषज्ञ इतना सन्देह बाध्य और अति शेहतक भारत खेल से तिब्बतर कार्ड भारत और अधिक शक्तिशाली कर यार तिब्बत सेवा भारत तिब्बती रेडियो तिब्बत अति जनप्रिय और इक इतना नतुनक आरम्भ कर दी भारत सरकार का जो ऑल इंडिया रेडियो है आकाशवाणी उसका एक समाचार कार्यक्रम उसको अब तिब्बत के नाम से जोड़ दिया जाएगा। भारत की तिब्बत सेवा है तो उसकी लोकप्रियता तिब्बत में बहुत अच्छी है, उसकी क्वालिटी प्रसारण की सुधारें, उसके विषयों का चुनाव ऐसा करें कि उनको समझ में आए लोगों को कि दलाई लामा यहाँ क्या कर रहे हैं, तिब्बत का क्या महत्व है, चीन ने तिब्बत पर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है और दुनिया उसके साथ है। तिब्बत चीने अवैध भावे दखल करा दलाई लामा इतना भारत भूखंड थकी भारत रेडियोर जरिए तिब्बतबासी दिहा परामर्श दी जी चीने के सह्य कर चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ये ऐतिहासिक दुर्घटना है लेकिन उससे तिब्बत की राष्ट्रीयता खत्म नहीं होती और तिब्बत ने भारत और चीन के बीच में हमेशा बफर स्टेट का मित्र देश का काम किया। एक को गुरु माना भारत को बुद्ध के नाते और एक को मित्र माना अपने ऐतिहासिक और भौगोलिक निकटता के नाते। तिब्बत स्वतंत्र राष्ट्र आ तिब्बत सहित मैकमोहन लाइन जरिए सीमा निर्धारण हुई भारत सही समय चीनर कपत्ति ना ते कार भूल तिब्बत दखल पारे चीने से समय प्रधानमंत्री आज जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री नेहरू कार्यकाल 1954 सन चीनर सहित थका वाणिज्य चुक्ति सुविधा ग्रहण कर चीने से चुक्ति सुविधा समूह व्यवहार कर तिब्बत थका निजर सेनार बाबे प्रयोजनीय बय वस्तु जोगान आरम्भ कर चीने और सैल जेन आरम्भणि खाल खानी घड़ियाल चपाले नेहरुए। 1950 के दशक में तिब्बत पर साम्राज्यवादी चीन ने हमला किया और अपने सैन्य बल से तिब्बत के लोगों का बड़े पैमाने पर नरसंहार ही नहीं किया, वहाँ की धर्म साहित्य संस्कृति भाषा बोली सबको नष्ट करने का काम किया। एता समय तिब्बत दखल करिले चीने तिब्बत भारत सीमा आसिल तार पिछर पर भारत सहित सीमा विवाद सूत्रपात घटे मानवतार चरम भावे उल्लंघन है तिब्बत तिब्बतबासीर ऊपर अत्याचार चले कि सको देखियो सही समय भारत एक नामातिले। 1949 में ही चीन के माओ त्से-तुंग ने घोषणा कर दी थी कि तिब्बत पर हमें अधिकार करना है, यह हमारा हिस्सा है। तिब्बत की सरकार
भारत सरकार से आग्रह करती रही, दुनिया से आग्रह करती रही, लेकिन भारत सरकार ने ना सिर्फ तिब्बत की मदद नहीं की, चीन को उस पर कब्जा करने दिया, बल्कि दुनिया को, संयुक्त राष्ट्र को भी उस पर बहस करने से रोक दिया। भारत तिब्बतक आनकि चीनर अंश बुलिओ मानि लय। भारत ভাবিছিল चीन শান্ত হব, কিন্তু হল উলুতা। 1962 তো যুদ্ধই করিলে, আর সেই দিন ধরে ভারতের অংশবোৰ দখলৰ অপচেষ্টা কৰি আহিছে চীনে। जब से तिब्बत चीन के कब्जे में गया, उसके बाद से ही हिमालय में अशांति आई है, असुरक्षा आई है। आज भारत का विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, तीनों ने अपना सिर जोड़ा है, ये बहुत अच्छी बात है। 70টা বছৰ ধৰি দালাই লামাই তিব্বতবাসীক বন্দিত্বৰ পৰা মুক্তি দিয়াৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাই আছে, আৰু এতিয়া দালাই লামাক ৰেডিঅ' দিছে ভাৰতে। কূটনৈতিকভাৱে ভাৰত যেন এতিয়া কিছু সফল হৈছে, যাৰ বাবে প্ৰথমবাৰলৈ ইমানবোৰ বিপদ একে সময়তে চীনৰ বাবে আহিছে। চাইনা অকল আমাৰ লগত নহয়, সবতে নিজৰ শক্তি দেখাব খুজিছে, সকলোতে অকল আমেৰিকাক চেলেঞ্জ কৰিব বিচাৰে। এইটো ফিলিপাইন্সৰ এটা পুৰণি বিমান ঘাটি, দিনে নিশাই কাম কৰি ফিলিপাইন্স চৰকাৰে পুনৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰি তুলিছে এইটো বিমান ঘাটি। চীনে নিজৰ বুলি দাবী কৰিব খোজা দক্ষিণ চীন সাগৰৰ এটা দ্বীপত আছে এইটো বিমান ঘাটি, আৰু বিমান ঘাটি গতাই দিছে আমেৰিকাক। চীনে ফিলিপাইন্সৰ সৈতেও দক্ষিণ চীন সাগৰক লৈ সংঘাতত লিপ্ত হয়, আৰু সেই ফিলিপাইন্সৰ এইটো দ্বীপপুঞ্জত নামিছেহি আমেৰিকাৰ সৈন্যৰ যুদ্ধ বিমান আৰু যুদ্ধ জাহাজ। উদ্দেশ্য দক্ষিণ চীন সাগৰত চীনৰ আধিপত্য হ্ৰাস কৰা। ভাৰতৰ সৈতে সংঘাত চলাৰ সময়তে জাপানেও সংঘাতত লিপ্ত হৈছে চীনৰ সৈতে। চীনে সদায় নিজৰ বুলি দাবী কৰে তনুশিৰ দ্বীপটোক। তনুশিৰ দ্বীপৰ এতিয়া নাম সলাই পেলালে জাপানে, সংসদত বিল পাছ কৰিলে জাপানে, আৰু এই দ্বীপটোৰ নতুন নাম দিলে তনুশি চিকাকো। জাপানৰ এই কাণ্ডই চীনৰ আভ্যন্তৰত জোকাৰণি তুলিছে, জাপানক আনকি সকীয়াইও দিছে চীনে। জাপানে সকীয়নিক ভয় নকৰিলে, ওলোটাই চীনলৈ টোৱাই মিছাইল সাজু কৰিলে সীমান্তত। চীনৰ বেপাৰ বাণিজ্য চলে সাগৰৰ পথেদি, সমস্ত দক্ষিণ চীন সাগৰক সেয়েহে নিজৰ কৰিব খোজে চীনে। এই কাৰ্যত এতিয়া বাধা দিছে অষ্ট্ৰেলিয়া, আমেৰিকাই। আমেরিকা তিনিখনক এয়ারক্রাফ্ট কেরিয়ার দক্ষিণ চীন সাগরত এটা মোতায়েন। অস্ট্রেলিয়ার বহু কেখন ফ্রিগেটস আর ড্রেস্টোয়েস চীন সাগরত মজুত। ভারতেও আন্দামানের কাশর সাগরীয় পথ বন্ধ করে দিছে। চীনের কাশতে আছে সরু দেশ তাইওয়ান। তাইওয়ানকো সদায় অত্যাচার করে আহিছে চীনে, কিন্তু প্রথমবার এইবার তাইওয়ানে রঙা চকু দেখাবলৈ সাহস কৰিছে চীনক। তাইওয়ানত আনকি প্ৰৱেশৰ চেষ্টা চলোৱা চীনা ফাইটাৰ জেট খেদি পঠিয়াইছে তাইওয়ানৰ এয়াৰফোর্সে, যিটো আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল। চীনৰ সৈতে প্ৰায়ে থিয় হয় ৰাছিয়া, কিন্তু যেতিয়াই ভাৰতৰ প্ৰসংগ আহি পৰে ৰাছিয়া নমনীয় হয়। প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙো কালিয়ে উৰা মাৰিছে ৰাছিয়ালৈ। এই সকলোবোৰ দেখি শুনি নীৰৱ হৈ আছে চীনৰ বন্ধু পাকিস্তানক। পাকিস্তানে বুঝিছে এই সময়ত মাত নমতাই ভাল, মুঠৰ ওপৰত ভাৰত এতিয়া বৃহৎ কূটনৈতিক বিজয়ৰ দিশে আগবাঢ়িছে, আৰু বিপদৰ দিশে অহংকাৰী চীন।